तो चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ चुनावी शंखनाद हो गया है। ऐसे में चुनाव से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको बता दें कि ज्यादातर वोटर्स को कम से कम एक डोज जरूरी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई आपके साथ साझा कर रहे हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी इस बार कर सकेंगे। ये एक आपको बता दें चुनाव आयोग की ओर से कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्पेशल इस बार फैसिलिटी दी गई है। इसके साथ ही 80+ को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। जो वोटर 80+ एज के हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी। साथ ही 24.9 लाख मतदाता पहली बार इस बार मतदान करेंगे। चुनावों से मतदान केंद्रों की संख्या इस बार 16% बढ़ाई गई है। साथ ही हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध होगा, तो सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा गया है। मास्क भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा आपराधिक उम्मीदवारों की जानकारी देनी होगी, ये भी चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। सभी पार्टियों की ओर से इसकी जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ये विशेष सुविधा इस बार उपलब्ध कराई गई है चुनाव आयोग की ओर से। हर विधानसभा में एक पोलिंग बूथ महिलाओं का होगा, तो एक पोलिंग बूथ महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा 18.34 करोड़ वोटर इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। 18 करोड़ 34 लाख वोटर जो है वो इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे। साथ ही पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में एक ही चरण में वोटिंग होगी, जो कि 14 फरवरी को होगी। 14 फरवरी को 3 राज्यों में एक साथ वोटिंग होगी, जिसमें कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड इसमें शामिल है। मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मणिपुर में 27 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। तो 2 चरणों में मतदान मणिपुर में होगा। पहले चरण के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा और वहीं 3 मार्च को मणिपुर में दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 10 मार्च को 5 राज्यों की मतगणना एक साथ होगी। तो 10 मार्च नतीजों का दिन। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होना है। यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। 7 चरणों में मतदान उत्तर प्रदेश में होने हैं। 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा। तो वहीं बात करें छठे चरण की, यूपी में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 7वां और आखिरी चरण 7 मार्च को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। तो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। किस तरह से मतदान होगा इसका भी ऐलान हो गया है, यानी चुनावी शंखनाद हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।